Hello everyone. I hope you are doing well. This is our part 2 of MCQs on email. हम अपने कंप्यूटर लिटरेसी के सिलेबस में ईमेल टॉपिक के एमसीक्यूज देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, इस लेक्चर में हम वो एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट एमसीक्यूज हम ध्यान देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ईमेल सेंड टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स एट वंस कॉल। So the option is created email, second one is bulk email, third one is digital marketing, and the fourth one is none of these. So the correct answer is bulk email. जब हम एक साथ एक ही मेल को काफी सारे लोगों के पास भेजना चाहते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? बल्क ईमेल का यूज करते हैं। बल्क ईमेल का यूज कौन कौन करता है? जैसे जो ब्रांडेड और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब अगर आप कहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन कहीं पर भी, तो क्या वो एक पर्टिकुलर रिसिपिएंट के पास एक कस्टमाइज ईमेल भेजते हैं? बट वो किस फॉर्म में भेजते हैं? बल्क ईमेल के फॉर्म में। अगर उनके पास कोई ऑफर्स आए हुए रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो भेजते हैं एक बार में कई सारे लोगों के एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? बल्क ईमेल कहते हैं। ओके, सो बल्क ईमेल इज एन ईमेल विच इज सेंट बाई अ ब्रांड टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स एट। एमएस वर्ड में भी ऐसा ही एक फीचर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेल मर्ज। क्या कहते हैं? मेल मर्ज, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज मेल, उसके नाम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज मेल आप भेज सकते हो पर्टिकुलर इंसान को थ्रू आवर मेल मर्ज। ठीक है, एमएस वर्ड कलेक्शन में इसके बारे में बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is to add an attachment to email. So the option is clipper clip icon, second one is pen icon, third one is stationery icon and the fourth one is emoji. जब भी आपको अपने ईमेल में कोई भी अटैचमेंट अटैचमेंट जैसे कोई इमेज ऐड करनी हो, कोई फाइल ऐड करनी हो, तो आप कौन से आइकन पे क्लिक करते हो? सो द करेक्ट आंसर इज पेपर क्लिप आइकन। चाहे आप जीमेल की बात करो, चाहे आप याहू की बात करो, इन दोनों में ही आपके पास एक इस तरीके का पेपर क्लिप आइकन आता है। ये देखिए, इसमें लास्ट में लिखा है पेपर क्लिप आइकन। ठीक है, यहीं पर ही मौजूद होता है जहाँ पर आपको उसको क्लिक करना होता है किसी भी अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। जब भी आप इस पर क्लिक करते हो, आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम की जो लाइब्रेरी है उसमें मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो अपने ईमेल पे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ऑप्शन इन एन ई मेल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू मैसेज। लास्ट क्लास में भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर दी। ऑप्शन इज रिप्लाई योर, सेकेंड वन इज कम्पोज, थर्ड वन इज डिलीट एंड द फोर्थ वन इज फॉरवर्ड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज कम्पोज। जब भी हमें एक नया मेल किसी के लिए बनाना होता है, हम नए मेल किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो हम किसके ऊपर क्लिक करते हैं? कम्पोज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक ई मेल को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीअरेंजिंग में पूछा जा सकता है, या फिर आपका डायरेक्टली भी आंसर पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चूज अ प्रोग्राम फॉर सेंडिंग ईमेल। आपको किस एप्लीकेशन के थ्रू अपना ईमेल सेंड करना है उस प्रोग्राम को चूज करिए, जीमेल, याहू, हॉटमेल, आप किसके थ्रू आप भेजना चाहते हो। देन टाइप आउट ईमेल्स इन द रिसिपिएंट बॉक्स। जो बॉडी है उसकी, उस पर जो भी आपको अपना कंटेंट लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। Okay, use CC or BCC to include others. What is CC and what is BCC? आगे क्वेश्चन आपके इसमें मिलने वाला है। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है और कई सारे एम्प्लॉयज हैं। अब बॉस ने बोला एक मैनेजर को कि अपने सारे ही जितने भी एम्प्लॉयज है सबको मेल भेजो, और साथ में क्या करो, उस मेल की एक कॉपी बॉस के पास भी होनी चाहिए। क्या बोला बॉस ने मैनेजर को कि जाओ हर किसी, जितने भी एम्प्लॉयज हमारे ऑफिस में मौजूद है उन सबको ईमेल भेजो, पर जितने के पास भी ईमेल जाना चाहिए उस ईमेल की एक कॉपी किसके पास भी होनी चाहिए? बॉस के पास भी होनी चाहिए। तो मैनेजर क्या करेगा, जब वो अपना मेल बनाएगा, जब भी वो अपना मेल बनाएगा तो वो सीसी में किसको डाल देगा? बॉस की ईमेल आईडी डाल देगा, जिसके बाद क्या होगा, बॉस के पास उस ईमेल की एक कार्बन कॉपी मौजूद होगी। ओके,
ये हो गया कार्बन कॉपी की बात। देन हम बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी में डिफरेंस क्या है? जो यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, बॉस ने बोला मैनेजर को कि जाओ भाई मेल भेजो एम्प्लॉयज जितने भी आपके ऑफिस में मौजूद हैं। मैनेजर ने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि बॉस के साथ साथ वो जो उसका हेड है, सपोज करो बॉस ने क्या कहा मैनेजर को कि मेल भेजो, लेकिन मैनेजर था थोड़ा सा अलग दिमाग का, उसने क्या कहा कि मुझे जो मेल भेजना है वो बॉस के पास तो जाएगा ही, और साथ ही साथ हम जिसके पास भेजना चाहते हैं, एक राइवल कंपनी को कह लो चाहे किसी और हेड को भेजना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, जिसके पास भेजना है उसके लिए वो क्या करने वाला है, उसकी ईमेल आईडी वो बीसीसी में डालेगा। बीसीसी में डालने का मतलब क्या हुआ कि बॉस को पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में हेड है, बॉस को पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में कौन है, हेड की ईमेल आईडी पड़ी हुई है कि हेड के पास मेल गया है कि नहीं गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम जिसका भी ईमेल आईडी डालते हैं, जिसकी भी ईमेल आईडी अगर हम बीसीसी में डालने वाले हैं, वो क्या होगी, जो भी हमारे रिसिपियंट्स हैं उस मेल के, उन सब में से किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि ये आईडी इसमें मेंशन है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया। बीसीसी में वो इंसान के आईडी इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे हम अपने मेल को, जिसको हम अपने मेल को भेजना चाहते हैं, बट किसी को पता ना चले कि वो रिसिपियंट, जितने भी रिसिपियंट उस मेल के हैं, उनको ना पता चले कि ये आदमी के पास भी मेल गया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया होगा। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अ सब्जेक्ट फॉर योर ईमेल, कि आपके मेल का टॉपिक क्या है। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोज द बॉडी ऑफ योर मैसेज। बॉडी मतलब कि जो भी आपको अटैचमेंट लगानी हुई, जो भी आपको मैसेज लिखना हुआ, यू कैन यूज दिस। देन एट लास्ट इंक्लूड एनी अटैचमेंट, देन सेंड द ईमेल एंड चेक फॉर रिप्लाइज। जैसे कि आपने ये सारे स्टेप को कर लिया, सीसी फिल कर दिया, बीसीसी फिल कर दिया, सब्जेक्ट फिल कर लिया, बॉडीज फिल कर लिया, अटैचमेंट जो आपको लगाने थे आपने वो लगा लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, मेल को एक बार चेक करोगे, देन आप उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुशेस ईमेल मैसेज टू दिस सर्वर। सो द ऑप्शन इज HTTP, सेकंड वन इज POP, थर्ड वन इज बोथ POP एंड HTTP एंड फोर्थ वन इज SMTP। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी मेल को, किसी भी ईमेल मैसेज को सर्वर में पुश करने के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देयर आर 3 कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज टू डिलीवर ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी मेल को ट्रांसफर करने के लिए हम इन 3 मेल प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले है SMTP, then the post office protocol that was called POP and the internet message access protocol that was IMAP. All these 3 TCP and the last 2 are used for accessing electronic mailboxes. Okay. Now our next question is, if one is typing an email, then suddenly the web browser closes abruptly, the email automatically gets saved in a folder. In which folder does the email get saved? So the option is inbox, second one is start, third one is draft and the fourth one is spam. Question को समझना, जब भी आप अपने ईमेल को बना रहे हो, सपोज करो आपने अपने डेस्कटॉप पे या फिर फोन में किसी को मेल सेंड करना स्टार्ट किया, आपने मेल में सब्जेक्ट डाल दिया, अपना कंटेंट वगैरह डाल दिया, पर आपने उसको सेंड नहीं किया, आपने ऐप को बंद कर दिया या फिर आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा मेल जो हमने बनाया हुआ है वो डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ सेव हो जाता, हमारा जाके के ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट फोल्डर इज वेयर यू कीप ईमेल मैसेज दैट यू हैव नॉट गेट कंप्लीटेड और प्लान टू सेंड एट अ लेटर टाइम। वो मैसेज जिनको आपने सेंड नहीं किया है या फिर आपने कुछ ऐसा सोचा है कि इनको आप कुछ देर बाद सेंड करने वाले हो, उन मैसेज को आप किसमें सेव करते हो, ड्राफ्ट में सेव करते हो। इट इज एन ईमेल मैसेज, यू कैन चूज ईमेल मैसेज यू क्लोज बाय चूजिंग फाइल सेव और क्लोजिंग द विंडो रादर देन क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन। ये वो मेल्स होते हैं जिनको आपने क्या किया है, सेव कर लिया है बाय नॉट बाय क्लिकिंग ऑन द सेविंग दैट नॉट बाय सेंडिंग द मैसेज बाय क्लोजिंग दैट विंडो। ओके, दिस एक्ट प्लेसेस द मैसेज इनटू द ड्राफ्ट फोल्डर। इनके पास क्या होते हैं, इनकी अपनी जगह कहाँ पे होती है, ड्राफ्ट फोल्डर में होती है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज In dash emails, the email message is sent as a simple text without formatting option.
Then the term which used is, so the option is normal text, second one is plain text, third one is rich text, and the fourth one is enhanced text. So the correct answer is plain text. What's plain text? It is a simple email message that only includes text, जिसमें कि आप कोई भी अटैचमेंट इंक्लूड नहीं करते हो, कोई भी तरह का, जो हमारे ईमेल की जो विंडो होती है ना, अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और आपके जो भी फॉन्ट्स वगैरह हैं, इंक्रीज करना, अलाइन करना, पॉइंट, इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो हमें ईमेल में. बट जब आप इन सब चीज़ों को ना इंक्लूड करके एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SMTP इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? सो द ऑप्शन इज सिंक्रोनस मेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज सिंक्रोनस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड वन इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड द फोर्थ वन इज सिंपल मेल ट्रांजिशन. So the correct answer is simple mail transfer protocol used for sending emails. Image से समझो इन प्रोटोकॉल का काम किस तरीके से होता है. मैं एक बार कैमरे को शिफ्ट नहीं कर सकती, चलिए मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक सेंडर है, सेंडर से इंटरनेट पर जब हम कोई मेल भेजते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP यूज होता है. इंटरनेट से मेल सर्वर, जो भी जिस प्रोग्राम की हेल्प से आपने क्या किया, मेल को भेजा है, वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इंटरनेट से उसके पास मेल सर्वर तक मेल जाने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP. लेकिन मेल सर्वर से जो हमारा रिसीवर है, जो भी हमारा रिसीवर है, उसके पास किस प्रोटोकॉल के थ्रू मेल पहुंचता है, दैट वर POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ओके, समझ में आया, आगे चलते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which part of an email address is used to identify the recipient's mailbox on the email server? So the option is local part, second one is domain, third one is TLD, and the fourth one is subdomain. क्या पूछा जा रहा है कि email address का, last time ने email address का question पूछा था ना कि valid email address क्या होता है, तो उस email address में कौन सा ऐसा part है जो ये identify करने में help करता है कि किस recipient के पास mail जाना चाहिए. So the correct answer is, जो एट द रेट का सिंबल होता है, इसके पहले जो यूजर नेम वाला पार्ट हमने करा था, यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ था, ये बताता है कि जो रिसिपियंट है, कौन से रिसिपियंट के पास आपका मेल जाना चाहिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द लोकल पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द रिसिपियंट्स मेल बॉक्स ऑन द ईमेल सर्वर, इट इज द पार्ट बिफोर द एट द रेट सिंबल. सो जहाँ लास्ट क्वेश्चन तक जहाँ तक हमने डिस्कस किया है, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. इतने क्वेश्चंस आपके ईमेल से आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस उनके बेस पे हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन तक भी PYQ था, ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है. आगे चलते हैं, वॉट इज द पर्पज ऑफ CC फील्ड इन एन ईमेल. अभी हमने बात की ना कार्बन कॉपी का मतलब क्या हुआ. So the option is, it stands for confidential copy and it is used for sensitive information. Second one is, it is for adding recipients who should be informed but are not in the primary audience. Third option is, it is a required field to address the email. And the fourth one is, it is used for attaching files to the email. So the correct answer is option number B, that is, it is for adding recipients who should be informed but are not the primary audience. ऐसा इंसान जिसके जिसको उस मेल की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए पर वो प्राइमरी ऑडियंस में इंक्लूड नहीं होता है, उनकी ईमेल आईडी हम किसमें मेंशन करते हैं, कार्बन कॉपी में मेंशन करते हैं. सो द CC कार्बन कॉपी फील्ड इज यूज्ड टू ऐड रिसिपिएंट्स हु शुड बी इन्फॉर्म बट आर नॉट द प्राइमरी ऑडियंस. इट इज द ऑफन यूज फॉर कर्टसी कॉपीज. कर्टसी कॉपीज में दैट कि आप भी इसके भागीदार थे इस मेल. Then our next question is, which email protocol is used for retrieving emails from a mail server to a client device? Client device, देखो हमने ये बात करी थी ना कि जो हमारी email program है ना, हमने जो हमारा sender होता है, email program की बात नहीं करते हम, sender की बात करते हैं. ठीक है, sender था, sender से क्या हुआ, हमारा जो email है वो कहाँ पहुंचा, mail server पे पहुंचा. mail server तक पहुंचने में उसका कौन सा protocol use हुआ था, SMTP. मेल सर्वर से कहाँ पहुंचा, वो रिसीवर के पास पहुंचा. रिसीवर के पास पहुंचने तक उसके पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ था, POP3.
सो ऑप्शंस देखो, फर्स्ट वन इज SMTP, सेकंड वन इज POP3, थर्ड वन इज IMAP एंड द फोर्थ वन इज HTTP। इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, हमारा जो मेल है उसको रिट्राइव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज यूज टू रिट्राइव ई मेल फ्रॉम अ मेल सर्वर टू अ क्लाइंट डिवाइस। क्लाइंट डिवाइस जाने की हमारा रिसीवर, और सेंडर हमारा कौन हो गया? मेल सर्वर, जो हमारे सेंडर। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल सिग्नेचर। सो द ऑप्शन इज टू इनक्रिप्ट द ईमेल फॉर सिक्योरिटी, सेकंड वन टू अटैच फाइल्स टू द ईमेल, थर्ड वन इज टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल, अदर पर्सनल डिटेल्स एंड द फोर्थ वन इज टू ऑटोमेटिकली सेंड यू टू सिक्स। देखो, जो हमारे ईमेल सिग्नेचर्स होते हैं है ना, वो किसके लिए होते हैं? सिग्नेचर क्या सिग्निफाई करता है? कि उस डॉक्यूमेंट की, उस मेल की ऑथेंटिसिटी हमें कौन बताएगा? वो एक सिग्नेचर बताएगा कि वो एक प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से आया है वो मेल या फिर नहीं आया है। तो करेक्ट आंसर इज टू इंक्रिप्ट द ईमेल फॉर सिक्योरिटी। आगे बात करते हैं, एंड ईमेल सिग्नेचर इज यूज टू प्रोवाइड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक जॉब टाइटल, अदर पर्सनल डिटेल्स एट द एंड ऑफ एन ईमेल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। What is the purpose of an email signature? So the option is to encrypt the email for security. Second one is to attach files to the email. Third one is to provide contact information, job title, and other personal details. And the fourth one is to automatically send read receipts. So the correct answer is option number C. It provides the information about job title, other personal details, or provide authenticity for an email. ऑथेंटिसिटी मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता चल जाता है कि उस ईमेल के डिजिटल सिग्नेचर से या फिर ईमेल सिग्नेचर से कि वो जो मेल आया हुआ है वो प्रॉपरली ऑथराइज उस कंपनी के ओनर की तरफ से या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से आया हुआ है। ओके, एंड ईमेल सिग्नेचर इज यूज टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल एंड अदर पर्सनल डिटेल्स एट द एंड ऑफ एन ईमेल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ये दोनों ही चीज़ें शो करता है कि ऑथेंटिसिटी भी दिखाता है और प्रोफेशनलिज्म मतलब कि आप एक प्रोफेशनल बिलोंगिंग से बिलोंग करते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ईमेल सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। सो द ऑप्शन इज SMTP, सेकेंड वन इज POP3, थर्ड वन इज IMAP एंड द फोर्थ वन इज मेल ट्रांसफर एजेंट। ये क्वेश्चन PYQ का ही था, ये क्वेश्चन छूट गया था। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, मेल ट्रांसफर एजेंट। विच ईमेल सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। सेंडर रिसीवर तो हमने देखा था, इनकमिंग मेल्स को रिसीव करने के लिए कौन सा ईमेल सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा ईमेल सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल ट्रांसफर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ब्लाइंड कॉपी फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। सो द ऑप्शन इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेटर कम्युनिकेशन चैनल, बल्क कंट्रोल सेंटर एंड द फोर्थ वन इज ब्रॉडकास्ट एंड कॉपी कंट्रोल। सो द करेक्ट आंसर इज BCC। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, and it is used to send a copy of an email recipient without revealing their email addresses to others. किसी भी spy mail को या फिर हम कह सकते हैं या फिर किसी ऐसे organization में जहाँ पर आप ये चाहते हो कि particular इंसान के पास ये mail चला भी जाए पर जो other recipients हैं उनको ना पता चले कि इस आदमी के पास भी mail गया होगा था, उस time पे आप कौन सा, किस blank में आप उस ID को fill up करोगे? Blank carbon copy में include करोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा ई मेल में इतने प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन होंगे तो हम आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।